नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डीके गुरुजी स्टडी पॉइंट में। आज की शॉर्ट हैंड की डिक्टेशन की स्पीड होगी 80 वर्ड प्रति मिनट। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड बाद। डिक्टेशन स्टार्ट। सभापति महोदय, यह भी व्यापक संभावना है कि पर्यावरण या कथित स्वास्थ्य विनियमों के नाम पर कुछ देश निरंकुश व्यापारिक प्रतिबंध लगा दे। ये प्रतिबंध अधिकांशतः उन प्रक्रियाओं का अनुवीक्षण करने के नाम पर लगाए जाते हैं जिससे निर्यात की जाने वाली वस्तुएं बनाई जाती हैं, और इस प्रकार राष्ट्रीय नीतियां परोक्ष रूप से प्रभावित हो जाती है। यह माना जाना चाहिए कि विभिन्न देशों की भिन्न भिन्न पर्यावरणीय प्राथमिकताएं होती हैं, और यह स्पष्ट है कि इन उद्देश्यों को पूरा करने के लिए उन्हें अलग अलग विधियां अपनानी चाहिए। इमारती लकड़ी विशेषतः इसका एक संवेदनशील उदाहरण है। पैराग्राफ में अन्य देशों को यह उपदेश नहीं देना चाहूँगा कि वे अपने वनों का प्रबंध किस प्रकार करें, विशेषकर उस स्थिति में जब वे ऐसा सतत रूप से कर रहे हैं। परंतु मैं भारत के बारे में कह सकता हूँ, हमारे वनों का उपयोग वाणिज्यिक दृष्टि से नहीं किया जा रहा है। हमारे देश में वृक्षों के कटान आदि का कोई कार्यक्रम नहीं है। हम अपनी इमारती लकड़ी की आवश्यकताएं अधिकांशतः आयात से पूरी कर लेते हैं, परंतु फिर भी हम वन संरक्षण के संबंध में उत्तर के विचारों को स्वीकार नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इससे हमारे वन बिल्कुल बंद और अछूते रह जाएंगे। भारत में वन सामुदायिक संसाधन है। लाखों करोड़ों लोग ईंधन, चारा, औषधियों और फलों के लिए इन पर निर्भर रहते हैं। भले ही यह बात पश्चिमी विचारधारा के अनुकूल ना हो, परंतु हम यह मानते हैं कि जब तक इनका लगातार प्रयोग हो रहा है, इसका अभिप्राय संरक्षण ही है। इससे मेरा यह तर्क स्पष्ट होता है कि पर्यावरण के लिए कोई पूर्ण मानक या विनिर्देश नहीं हो सकते हैं, और ये अलग अलग देशों के लिए भिन्न भिन्न होंगे। पैराग्राफ हम इस बात से सहमत हैं कि पर्यावरण को हानि पहुंचाने वाली प्रक्रियाओं को रोका जाना चाहिए और दोबारा ना मिलने वाले संसाधनों के अत्यधिक दोहन पर नियंत्रण लगाया जाना चाहिए। परंतु इसका हल एकतरफा तरीके से व्यापार पर प्रतिबंध लगाना नहीं है, बल्कि प्रौद्योगिकी में परिवर्तन और ऐसी वस्तुओं के लिए विकासशील देशों को अधिक कीमत देना है जिससे उन्हें अधिक दोहन करने की आवश्यकता ही ना पड़े या उनकी विकास की प्राथमिकताओं को हानि ना पहुँचे। क्रमबद्ध समस्याओं का अलग अलग हल
नहीं किया जा सकता। फुलस्टॉप। अगर आपको डिक्टेशन पसंद आई हो तो सब्सक्राइब और लाइक करिए। धन्यवाद।